नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शर्मा। आज चर्चा करेंगे रीजनिंग के टॉपिकों पे, जो कंपटीशन के अंदर बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। और रीजनिंग आजकल क्या है, हर एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट बन चुका है। मैथ्स और रीजनिंग दोनों ही आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट रहता है एग्ज़ाम के अंदर। तो अपन जितना इसको अच्छे से करेंगे उतना ही आपको बेनिफिट होने वाला है। तो अब चलिए आज का हम नया टॉपिक, एकदम फ्रेश टॉपिक स्टार्ट करते हैं, और जिस टॉपिक का नाम है अपना क्लॉक। आज का टॉपिक है अपना क्लॉक। अब बात ये आती है कि क्लॉक हर आदमी के दैनिक जीवन में काम आने वाली चीज है। क्लॉक की बात करूं तो बच्चों, क्लॉक हमारी जो है वो इस प्रकार से होती है, यानी कि राउंड शेप में होती है। और जब राउंड होता है, एक वृत्ताकार चीज होती है, तो उसको हम मैथ की भाषा में क्या कहते हैं भाई, कि ये वृत्त है। और जब वृत्त होगा तो प्यारे बच्चों उसके अंदर क्या होगा, एक केंद्र बिंदु होगा। अब सर केंद्र बिंदु क्यों बनाया, क्योंकि बेटा घड़ी के अंदर केंद्र बिंदु पर तीन सुइयां लगी रहती हैं, तीन सुइयां लगी रहती हैं। कि सर बिल्कुल सही बात है सर, एक घंटे की होती है, एक मिनट की होती है और एक सेकंड की होती है। चलिए इसको क्लॉक में डिफाइन कर लेते हैं कि सर यहां कितना टाइम होता है, कि सर 12 बजते हैं, सर यहां कितना 6 बजते हैं, सर यहां कितना 3 बजते हैं, और यहां कितना सर 9 बजते हैं। मैंने बात करी भाई, सबसे पहली जो सुई है वो घंटे की है, दूसरी किसकी है सर मिनट की है, और तीसरी सुई जो है वो किसकी है प्यारे बच्चों, सेकंड की है। तो क्लॉक हमारी कैसी होती है, वृत्ताकार होती है। वृत्त में अपना क्या होता है, केंद्र बिंदु होता है, और केंद्र बिंदु पर क्या होता है प्यारे बच्चों, तीन सुइयां लगी रहती हैं, किस किस की, घंटे की, मिनट की और सेकंड की। चलिए और अपन इसको डिस्क्राइब करते हैं थोड़ा सा। प्यारे बच्चों ये हमारी क्लॉक थी, और यहां बजे थे 12, यहां बजे थे 6, यहां बजे थे 3, और यहां बजे थे प्यारे बच्चों 9। मान लीजिए आपकी घड़ी, और आपकी घड़ी जिसमें कि भाई ये जो एंगल बन रहा है, मतलब 9 बज रहे हैं, और 9 बज रहे हैं तो प्यारे बच्चों दोनों सुइयों के बीच में एक एंगल होता है। ये कौन सी है सर, ये घंटे की सुई है, ये कौन सी है सर मिनट की सुई है, और घड़ी में कितना टाइम हो रहा है कि सर 12 बजना 9 बज रहे हैं, और 9 बज रहे हैं तो प्यारे बच्चों इन दोनों के बीच का जो एंगल होता है वो कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का एंगल होता है। कि सर अगर हमने यहां से यूं मिलाया तो 90 डिग्री, क्या सर हम इधर मिलाएंगे तो भी 90 डिग्री होगा, बिल्कुल प्यारे बच्चों यहां भी मिलाओगे तो क्या होगा, 90 डिग्री एंगल होगा। अगर बात करें प्यारे बच्चों इधर से, सर इसको भी हम ऐसे कर देते हैं कि सर मान लो 3:30 बजे हुए हैं क्लॉक के अंदर, तो सर एंगल कितने का होगा बेटा, 90 डिग्री का। अच्छा मान लीजिए अपनी घड़ी में सर 9:30 बजे हुए हैं, तो सर एंगल कितने डिग्री का होगा, कि सर 90 डिग्री का एंगल होगा। ठीक है, अब हमने इसको एंगलों पे डिफाइन कर दिया कि सर यहां पे 9 बजे थे तो 90 डिग्री था, या 3 बजे थे तो भी 90 डिग्री था, या 3:30 बजे तो भी 90 डिग्री था, और यहां पे 9:30 बजे तो भी 90 डिग्री था। अब प्यारे बच्चों क्वेश्चन हमारा एक बनता है कि सर हमने इस क्लॉक को कितने पार्टों में डिवाइड कर दिया, कि सर बात करें कि सर ये हमारा पहला पार्ट था, ये हमारा सेकंड पार्ट था, ये हमारा तीसरा पार्ट था, और ये हमारा चौथा पार्ट था। कि सर हमने क्लॉक को 4 पार्टों में डिवाइड कर दिया, कि बिल्कुल कर दिया। मैंने बोला कि प्यारे बच्चे एक पार्ट यानी एक भाग बराबर कितने डिग्री के था, तो आपने जवाब दिया 90 डिग्री के। भाई एक पार्ट यही है तो कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। मैंने कहा प्यारे बच्चों एक पार्ट जब 90 डिग्री का है, और हमने कितने पार्टों में डिवाइड कर दिया इसको सर, 4 पार्टों में, कि भाई एक भाग जब 90 डिग्री के है तो सर 4 भाग बराबर कितने डिग्री के होंगे, तो आप क्या करेंगे, 90 इज मल्टीप्लाई बाई 4 करेंगे, 90 का गुणा 4 से करेंगे। 90 का गुणा 4 से किया तो सर एंगल हो गया कितने का, 360 डिग्री का। अब प्यारे बच्चों ये बात हुई, चाहे सुई घंटे की हो, चाहे मिनट की हो, चाहे सेकंड की हो, यानी सुई कोई सी भी हो, जब इस घड़ी का एक पूरा राउंड लगाएगी, मतलब यहां आ जाएगी, दूसरी भी यहां आ जाएगी, तीसरी भी सर यहां आ जाएगी, अगर कोई चीज 12 से चलना स्टार्ट हुई और वापस 12 पे आ गई, इसका मतलब एक राउंड होता है, और एक राउंड होता है तो एक राउंड चाहे घंटे की हो, चाहे मिनट की हो, चाहे सेकंड की हो, जब एक पूरा राउंड कवर करती है तो प्यारे बच्चों जो एंगल बनता है वो कितने डिग्री का बनता है, 360 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है,
यानी कि घड़ी के घंटे की हो चाहे मिनट की हो चाहे सेकंड की हो, जब इस घड़ी का एक पूरा चक्कर लगाती है तो प्यारे बच्चों एंगल जो बनता है वो कितने का बनता है, 360 डिग्री का एंगल बनता है। यहां तक क्लियर हो चुकी होगी, बिल्कुल बेसिक से लेकर चल रहा हूं, छोटी छोटी चीजों को समझाता हूं चल रहा हूं, सारी चीजों का यूज आने वाला है, अभी देखते हैं कैसे। चलिए अब आपको एक एक पार्ट का डिवाइडेशन समझ में आ गया, भाई 90 डिग्री होता है पूरा करे तो 360 होता है, और अगर दो पार्ट कर दे तो सर 180 होगा, और अगर तीन पार्ट कर देंगे 270 होगा, और अगर चार पार्ट कर देते हैं तो प्यारे बच्चों को कितना होता है, 360 डिग्री होता है। चलिए अब बात करते हैं अलग अलग सुइयों की, ठीक है सर करिए। सबसे पहली बात हम करेंगे घंटे की, कि सर घंटे की जो सुई है, घंटे की सुई एक पूरा चक्कर कितने समय में लगाती है, कि सर पूरा चक्कर लगाती है 12 घंटे में। घंटे की सुई घड़ी का एक पूरा चक्कर लगाने में टाइम लेती है कितने भाई, 12 घंटे। और सर 12 घंटे जब पूरा चक्कर लगा रही तो एंगल कितने का होगा सर, 360 डिग्री का होगा, बिल्कुल होगा। सेकंड बात सर, अभी बात घंटे की चली तो घंटे की ही चलाएंगे, कि सर घंटे की सुई एक घंटे में कोण बनाती है बराबर, कि भाई घंटे की सुई एक पूरा चक्कर 12 घंटे में, और 12 घंटे में एंगल 360 डिग्री का, तो घंटे की सुई एक घंटे में एंगल बनाती है। तो देखो यूं समझिए, 12 टॉफी आपकी कितने पैसे की आ रही है भाई, 360 रुपए की। 12 टॉफी जब 360 रुपए की आ रही है, कि सर एक टॉफी कितने की आएगी, तो आप क्या करेंगे कि सर 360 इज डिवाइडेड बाय 12, 360 में 12 से भाग देंगे। जब 12 से भाग देंगे तो भैया एक घंटे में जो एंगल बनेगा वो कितने का बनेगा, 360 डिग्री का। चलिए सर तीसरी बात फिर कर लेते हैं, कि सर घंटे की सुई एक मिनट में कोण बनाती है बराबर। भाई घंटे की पूरा चक्कर हो गया एक घंटा, अब एक मिनट की बात चल रही, सर एक घंटे में एंगल कितने डिग्री का बनता है, कि सर 30 डिग्री का। और एक मिनट यानी एक घंटे में कितने मिनट भाई, 60 मिनट। तो एक मिनट की जब बात करेंगे तो डिवाइडेड कर देंगे 60 से। अब भाई जीरो से जीरो कैंसिल हो गया है, तो एंगल जो बना वो कितने का बना, 1/2 डिग्री का। ये तीनों बातें हुई है कौन सी सुई की भाई, घंटे की सुई की। अब बातें चलती हैं मिनट की सुई की, सर मिनट एंड पर जाइए, सर मिनट की सुई एक पूरा चक्कर यानी एक पूरा राउंड एक घंटे में लगाती है और एंगल बनाती है प्यारे बच्चों 360। जहां भी पूरे चक्कर की बात आ जाए वहीं पे एंगल होगा 360 डिग्री का, ये ध्यान रखने वाली बातें हैं। दूसरी बात सर, मिनट की सुई एक मिनट में कोण बनाती है बराबर। सर एक घंटे में 360, तो एक घंटे में मिनट कितने होते हैं सर 60, जीरो से जीरो कैंसिल, 6 × 36 यानी एंगल बनाएगी 6 डिग्री का। ये भाइयों बात खत्म हो चुकी है मिनट की, अब लास्ट चीज बची है, सुई बची है जो किसकी है, सेकंड की। बाकी सेकंड का कभी पूछा नहीं जाता, बाकी अपन पता कर लेते हैं भाई सेकंड का क्या खेल है। सर बात यह है कि सेकंड की सुई एक पूरा चक्कर, बताइए भैया कितने टाइम में लगाती है, कि एक पूरा चक्कर लगाती है एक मिनट में, और एक मिनट बराबर 360 डिग्री एंगल बनेगा जब पूरा राउंड लगेगा। अब बात चलती है कि सर दूसरी बात है, सेकंड की सुई एक सेकंड में कोण बनाती है बराबर, कि सर एक मिनट में 360, एक मिनट में 60 सेकंड, जीरो से जीरो कैंसिल, 6 × 36 यानी एंगल बनेगा 6 डिग्री का। तो ये बेसिक चीजें हैं प्यारो, जब अपन क्लॉक पढ़ेंगे तो बेसिक चीजें अपने को पता होनी चाहिए, क्योंकि बेसिक चीजों से बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। जो अभी लेटेस्ट एग्जाम हुए थे अपना, रेलवे हुआ था पिछला ग्रुप डी, उसमें भी ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे, एसएससी में भी कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे गए जो रिलेट होते थे बेसिक तरीके से। चलिए एक बार से अपन वापिस से
क्लॉक की बात चल रही है प्यारे बच्चों, और क्लॉक जो होती है वो कैसी होती है, वृत्ताकार होती है, गोल होती है, और वृत्त के अंदर क्या होता है प्यारे बच्चों, केंद्र बिंदु होता है, और केंद्र बिंदु पे क्या होती है, तीन सुइयां लगी रहती हैं। तीन सुइयों में कौन कौन सी होती है, एक तो सर होती है घंटे की, एक मिनट की और एक सेकेंड की। घंटे की सुई एक पूरा चक्कर लगाने में कितना समय लेती है प्यारे बच्चों, 12 घंटे। कितना लेती है भाई, 12 घंटे, और 12 घंटे में एंगल कितने का बनता है, 360 डिग्री का। घंटे की सुई एक घंटे में कोण बनाती है, तो भाई एक 12 घंटे में 360 का, तो एक घंटे में 360 बटा में 12 यानी कि 30 डिग्री का। घंटे की सुई एक मिनट में कोण बनाती है बराबर कितना भाई, एक घंटे में 3 और एक घंटे में मिनट होते हैं 60 यानी 1/2 का कोण बनाती है। मिनट की सुई एक पूरा चक्कर लगाने में समय लेती है एक घंटा, और एक घंटे में एंगल बनता है 360 डिग्री का। ठीक है भाई, मिनट की सुई एक पूरा राउंड लगाने में कितना समय लेती है, एक घंटा, और एक घंटे में कोण बनता है 360 डिग्री का। उसके बाद हम बात करें कि सर मिनट की सुई एक मिनट में जो एंगल बनाएगी वो कितने का बनाएगी, तो आप क्या करेंगे, 360 इज डिवाइडेड बाई 60 इक्वल टू 6 डिग्री का। उसके बाद हम बात करते हैं सेकंड की सुई एक पूरा चक्कर लगाने में टाइम लेती है एक मिनट का, और एक मिनट में एंगल बनता है 360 डिग्री का, तो सेकंड की सुई एक सेकंड में कोण बनाती है कितने का, 360 इज डिवाइडेड बाई 60, क्योंकि एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, 60 से डिवाइड कीजिए, एक सेकंड का हो जाएगा कितना, 6 डिग्री। ये बेसिक चीजें थी। चलिए अब सर इनसे क्या होता है, देखिए इनसे क्या होता है ये भी बात कर लेते हैं, इनसे क्या क्या हो सकता है, बस ध्यान से देखना है, एक बार नजर गड़ा के रखिए, एक बार नजर गड़ाते ही आपको आंसर क्लियर होता चला जाएगा। मान लीजिए आपसे बोल दे कि सर बताइए 40 मिनट में मिनट वाली सुई कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, कितने डिग्री का एंगल होगा। चलिए भाई 40 मिनट में मिनट वाली सुई की बात कर रहा भाई, तो भाई एक मिनट में मिनट वाली सुई कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 6 डिग्री का। जब एक मिनट में 6 डिग्री का एंगल है तो सर 40 मिनट में तो कितना होगा, 40 इज मल्टीप्लाई बाई 6 इक्वल टू 240 डिग्री का। ठीक है, तो ऐसे आपसे पूछता जाएगा 40 मिनट में 50 मिनट में कितने का, तो आपको ध्यान रहेगी, तो भाई मिनट की भाई एक मिनट में 6 तो 50 में 300, 20 की पूछ ले 6 दूनी 12 सर 120, 30 का पूछ ले सर 180, तो बस आपको क्या याद रखना है, एक मिनट में कितना एंगल बनता है 6 डिग्री का, कौन सी सुई के द्वारा बनता है, मिनट वाली सुई के द्वारा। जब एक मिनट में 6 डिग्री तो 40 मिनट में 240 डिग्री, 30 की बात कर ले तो क्या करेंगे 6 × 30 यानी कि 180 डिग्री। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये चीज थी बेसिक बातें। अब बातें चलती हैं अगली, अब हम टाइप लेके चलते हैं। सर इतने एंगल आप समझा रहे हैं तो इनको हम आपको बिल्कुल डिटेल में समझाइए क्या होता है। देखिए सबसे पहली बात, और जिसको हम कहते हैं कोण निकालना, कोण निकालना। अब प्यारे बच्चों कोण जो है वो दो तरीके से निकलता है, कोई बुक्स नहीं बताती आपको, अब ध्यान से सुनिए कोण कितने तरीके से निकलता है। सर कोण दो तरीके से निकलता है, एक कोण तो प्यारे बच्चों निकलता है घंटे से और मिनट में, और दूसरा कोण निकलता है प्यारे बच्चों मिनट से और घंटे में। यह ध्यान रखना, कभी कभी बोल देता है मिनट से घंटे में बताइए, घंटे से मिनट में बताइए, और हमें पता नहीं रहता तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, भैया करें कैसे, हमने पढ़ा तो था कोण निकालना लेकिन ये क्या पूछ रहा है, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना, कोण निकालना, कोण दो तरीके से निकलता है, एक घंटे से मिनट में निकलता है और दूसरा मिनट से घंटे में निकलता है। सर निकालें कैसे, चलिए अब निकालने की बात आ जाती है भाई। टॉपिक हमारा चल रहा है क्लॉक। एक दिन की बात, मैं खड़ा हुआ था और एक लड़का खड़ा हुआ था, हम दो लोग खड़े हुए थे। ठीक है, मैंने बोला कि भैया घड़ी में कितने बज रहे हैं, 12 बज रहे हैं। मैंने बोला कितने बज रहे हैं भाई, 12 बज रहे हैं। मैंने बोला कितने, 12। मैंने पूछा कि बेटा तू बता किस घड़ी में कितने बज रहे हैं, तो लड़के ने जवाब दिया कि गुरुजी 11:60 हो रहे हैं। अब मैं थोड़ा चौंक गया भाई, मैं बता रहा हूं 12 बज रहे हैं, वो कह रहा है 11:60 हो रहे हैं, भाई इसका क्या रीजन है। मैंने कहा बेटा दोबारा देख ले, उसने कहा दोबारा भी 11:60, तीसरा बोला तो भी 11:60। अब यूं बताइए कि इस 12 में और इस 11:60 में कोई अंतर है क्या। अब आप बोलोगे कि नहीं सर 11:60 का मतलब भी 12 होता है और 12 का मतलब तो 12 है ही। तो मैंने कहा कि जब 11:60 का मतलब 12 ही है तो उस विद्यार्थी ने 11:60 ही क्यों बोला, 12 क्यों नहीं बोला, कोई ना कोई रीजन तो होगा। कि सर ये पता नहीं। तो देखो बेटा, और रीजन होता है कि 11:60 का मतलब ये होता है कि ये दोनों सुइयों के बीच का अनुपात होता है, रेशियो होता है।
यानी घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का जो रेशो होता है, अनुपात होता है, वो कितना होता है? 11:60 होता है। तो ध्यान रखना, जब तक घड़ी चलेगी तब तक यही अनुपात चलेगा। अनुपात क्या चलेगा? 11:60। बात किसकी चल रही है प्यारे बच्चों? कोण निकालने की। कोण किससे निकलेगा? सर अनुपात से निकलेगा। अनुपात कितना है? कि भैया 11:60 है। तो सर कैसे निकालेंगे कोण? तो देखिए, आपको कुछ नहीं करना, 11 गुणा 11 यहां लिखा हुआ है, यानी ये घंटा है, ये मिनट है, कि 11 का गुणा मिनट से करना है, -60 इंटू करना है बजकर या बजे, और डिवाइडेड बाय करना है 2 से। सर ये क्या बात हुई? मैंने कहा अनुपात को याद कर भाई, कि 11 यानी घंटे, घंटे का गुणा मिनट से करना है और मिनट का गुणा घंटे से करना है, अपोजिट करना है, और दोनों को आपस में माइनस करके और 2 का भाग देना है। अब कुछ विद्यार्थियों को समझ में आ गया भाई 2 से भाग देना, कुछ बोले कि गुरुजी एक चीज बताइए, अरे मास्टर एक चीज बता कि यहां पे भाग 2 से क्यों दूं मैं, 3 से क्यों नहीं दूं, 4 से क्यों नहीं दूं, 5 से क्यों नहीं दूं, 2 से ही क्यों दूं, क्या रटूं इसको? भाई बिल्कुल रटने की बात नहीं है, ये बात सही है कि यहां पे भाग 2 से क्यों दिया जाए, 3 से क्यों नहीं, 4 से क्यों नहीं। समझिए, मैंने कहा कोण जो निकलते हैं वो कितने तरीके से निकलते हैं प्यारे बच्चों? 2 तरीके से। जब 2 तरीके से निकल रहे हैं तो 2 का भाग देंगे, अगर 3 से निकलते 3 का भाग दे देते, अगर 4 तरीके से निकलते तो 4 का भाग दे देते, लेकिन निकल कितने तरीके से रहे भाई? 2 तरीके से, तो भाग कितने का देंगे? 2 का ही देंगे। कि सर अब समझ में आई बात, चलिए अब आगे तो अभी सही। अब देखिए क्वेश्चन कैसे आते हैं, वो यूं कहता है कि सर 8:60 पर घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण होगा? सर क्वेश्चन है 8:60 पर घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का एंगल होगा? कोई दिक्कत नहीं, हमें काम किससे पड़ेगा? खाली समय से पड़ेगा। क्या करना भैया? कि 11, सर 11 तो फिक्स है ना, कि बिल्कुल फिक्स है। 11 का गुणा किससे करना है प्यारे बच्चों? मिनट से करना है, और मिनट कितने हैं? कि सर 60 हैं। माइनस 60 इंटू सर क्या लूं? बजकर। बजकर में कितने? 8, और डिवाइडेड बाई कितने करूं सर? 2 कर दो भाई। अब देखो सब समझदार हैं, सब पढ़े लिखे हैं, तो मल्टीप्लाई करना सबको आता है। 11 इंटू 6 करेंगे तो 6 छिंगी 66 660 हो गए। सर ये कितना होगा? कि सर 8 छिंगी 48 480 होगा, डिवाइडेड बाई कितना करना है? 2 करना है। वेरी गुड। अब भाई 660 में से 480 लेस करिए, और 660 में से 480 लेस करते हैं तो सर कितने बचते हैं? सर कि 180 बचते हैं सर, भाग कितने का? 2 का। सर बचते हैं 180, बिल्कुल 180 बचते हैं, और 180 डिवाइडेड बाई 2 करना है, तो सर 180 में जब 2 का भाग देंगे तो सर एंगल तो 90 डिग्री का ही है। अरे भाई 90 डिग्री का एंगल ही तो होगा। उसने क्या कहा? 8:60। अब भाई 8:60 का मतलब क्या है प्यारे बच्चों? तो एक सुई तो इधर और एक सुई इधर, और ये एंगल कितने का होता है सर? 90 डिग्री का। भाई 90 डिग्री का एंगल, बिल्कुल 90 डिग्री का। भाई सही है बात, के बिल्कुल सही है। कैसे निकली? कि सर हमने 11 का गुणा मिनट से किया था, -60 इंटू बजकर किया था, और डिवाइडेड बाई 2 किया था। चलिए वेरी गुड। अब बात ये है कि सर इतनी मल्टीप्लाई ना करें तो क्या आंसर हो सकता है? चलिए वेरी गुड क्वेश्चन। भाई अगर आप इतनी रामायण ना करें और डायरेक्ट ही आपका आंसर आ जाए तो वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे पहले, डायरेक्ट निकालने के पहले, आपको कुछ एक चीजें समझनी होंगी। समझनी क्या है वो देखिए कि सर यहां पे हम टाइम डिनोट करेंगे। सर ये 12 है, यहां पे सर 3 है, यहां 6 है, और सर यहां 9 है। यहां कितने बजते हैं भाई? 10, यहां पे 11, यहां पे 1, यहां पे 2, यहां पे 4, और यहां पे 5, यहां पे 7, और यहां पे 8। भाई ये बजते हैं। चलिए अब मान लीजिए आपकी दोनों सुइयां 12 पर थी, समझना भाई प्यार से, दोनों सुइयां 12 पर थी तो ठीक है भाई। अगर एक सुई 5 पे चली गई, मतलब 1 पे चली गई, तो आप क्या बोलते हैं? सर कितने मिनट आगे गई? कि सर 5 मिनट आगे गई। यानी 5 मिनट का मतलब 1 होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है। सर अगर 2 पे चली गई वो, तो इसका मतलब कितने मिनट आगे गई? कि सर 5 ही, और 5 है तो 10 मिनट आगे गई। यानी 2 का मतलब 10 है, तो 3 का मतलब 15, 20 का मतलब 4, 25 का 5, 30 का 6। ठीक है, चलिए अब एंगल जो निकालना है वो किसका निकालना है? 8:60 का।
ऊपर की बातें ध्यान रखिए कि सर आठ का मतलब तो आठ है ही, बिल्कुल है सर आठ का मतलब आठ। सर साठ का मतलब कितना है? सर साठ का मतलब कितना है कि सर बारह है। यहां तक बात देखिए कि सर साठ का मतलब जो है वो कितना है? बारह है। सर बारह है तो क्या करें? मैंने कहा बेटा पीछे वाली संख्या में से आगे वाली संख्या को घटाना है। क्या बोला? पीछे वाली संख्या में से आगे वाली संख्या को घटाना है। कि सर घटाइए, बारह में से आठ गए तो सर कितने बचे? चार। चलिए चार बच गए। सर अब क्या करना है? गुणा करना है। गुणा कितने का करना है? सर तीस का गुणा करना है। ये ध्यान रखना, जब ऐसी इस प्रोसेस से कर रहे हो तो पीछे वाली संख्या में से आगे वाली संख्या को लेस करिए, जो भी बचता है उसका गुणा कितने से? तीस से करिए, और माइनस कर दीजिए मिनट का आधा। माइनस कर दीजिए मिनट का आधा। सर मिनट का आधा। सर चलिए देखते हैं, चार तिया बारह, सर 120 माइनस साठ का आधा कितना आ गया? सर 30। अब मेरे को यूं बताओ 120 में से 30 गए तो सर 90 डिग्री आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कि सर बिल्कुल आ रहा है। सर इससे बढ़िया तो ये है, बिल्कुल है बढ़िया। बस आपको ध्यान रहना चाहिए पांच का मतलब कितना होता है भाई? एक, दस का, दो, पंद्रह का, तीन, बीस का, चार, पच्चीस का, पांच, तीस का, छह, फिर पैंतीस का, सात, इसी तरीके से चलता रहेगा। बात समझ में आ गई? डायरेक्ट हमारा आंसर निकल सकता है। क्या करना है? पीछे वाली संख्या में से आगे वाली संख्या को लेस करिए, और जो भी बचता है उसका गुणा 30 से करिए, और माइनस मिनट का आधा करिए। तो 120 में से 30 के तो कितने डिग्री का हो गया? 90 डिग्री का। कि सर और करके दिखाइए, सर और करके दिखाइए। चलिए और करके देख लेते, और करते हैं भाई, और करते हैं, देखते हैं क्या होता है। चलिए इधर ले लेते हैं। सर यहां पर आप 2:60 का बताओ। सर 2:60 का बताओ। देखो दोनों तरीके से बताता हूं, ये बेसिक और इधर शॉर्टकट। सर बेसिक क्या है कि सर 11 का गुणा मिनट से करिए, माइनस 60 इंटू बजकर करिए और भाग दीजिए 2 का। ये बात भाई। चलिए सर कितना हो गया? 11 छिंगी 66, सर 660 माइनस 6 दूनी 12 120 बटा में कितने सर के? 2 सर। ठीक है चलिए। अब बात यह है कि सर जीरो में से जीरो गया तो जीरो, छह में से दो गए तो चार, और छह में से एक गया तो पांच। सर 540 बटा में 2, यानी एंगल हो गया 270 डिग्री का। चलिए 270 डिग्री ऐसे निकल के आ गया। अब चलिए अब आगे करते हैं कि सर 2:60 यानी कि सर 2 का मतलब 2 और 60 का मतलब 12। आपने तो कहा पीछे वाली संख्या में से आगे वाली संख्या लेस करिए, बिल्कुल बोला भाई, पीछे वाले में से आगे वाली लेस करिए। 12 में से 2 गए तो सर कितना बचा? 10 ही तो बचा। सर 10 में गुणा कितने से करूं? 30 से कर दे भैया। माइनस मिनट का आधा कितना भैया? 30। भाई कितना हो गया? 300 माइनस 30 इक्वल टू 270 डिग्री एंगल आ चुका है आपका। तो इतने ही माथा फोड़ी ना करके डायरेक्ट क्वेश्चंस को हल किया जा सकता है। लेकिन ये तरीका कब काम नहीं आता है? जब आपके आ जाए कि सर 2:22, 2:47, 2:35 पे तो हो जाएगा, 2:37 आ जाए, जब आपको इसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ये तरीका नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि जब 22 की बात होती है तो 22 पे ना तो उसको 20 पे मान सकते हो, ना ही आप उसको 25 पे मान सकते हो। बीच में होता है, बीच का कोई भी कैलकुलेशन नहीं होता है। चलिए सर और बताइए। चलिए अब प्यारे बच्चों, अब आपके जहन में एक क्वेश्चन चल रहा होगा, एक सवाल चल रहा होगा कि मास्टर बावड़ा मत बना, कि मास्टर बावड़ा मत बना के मैंने भाई कैसे बना रहा हूं पागल। कि यूं बता भाई, मास्टर आपने अभी थोड़ी देर पहले बात करी थी गुरुजी अगर 3 बज रहे तो कौन 90 डिग्री का। आपने कहा भाई कि 3 बज रहे हैं तो कौन 90 डिग्री का है। मैंने कहा बिल्कुल है भैया। अब आपने कहा कि सर यहां पे अगर 90 डिग्री है तो यहां तो आप 270 बता रहे हो, आप तो गलत पढ़ा रहे हो। अब भाई बात यह होती है, जब इस फॉर्मूले से या इस फॉर्मूले से जो भी आपका आंसर आ रहा है और वो यदि दिए गए ऑप्शनों में नहीं मिलता है तो आपको क्या करना होता है? जो भी आंसर आ रहा होता है उसको 360 में से लेस कर देते हैं। 360 में से 270 को लेस कर दीजिए। लेस करा 0 का 0, यहां पे सर कितना बचा? सर 9 बचा। क्या बचा भैया? 90 डिग्री आ तो रहा है भाई। अरे आज आ तो रहा है जनाब आंसर, 90 डिग्री तो आ रहा है। आप कंफ्यूज ना हो, जब कभी भी क्वेश्चंस के अंदर जब आप सॉल्व करेंगे और आपका आंसर आ रहा है 270 और वहां ऑप्शन दिए 4 और उनमें 270 है ही नहीं, तो आपको हताश नहीं होना प्यारे बच्चों, हताश नहीं होना। क्या करना है कि भैया अगर आंसर नहीं आ रहा तो 360 में से जो भी आपका आंसर आ रहा है उसको लेस कर दिए, जो बचेगा वही हमारा आंसर होगा, रियल आंसर। ये आपको 100%
आपके ऑप्शंस के अंदर मिल जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो मैं सोचता हूं कि आपकी ये चीजें समझ में आ गई होंगी और अच्छे से आ गई होंगी। चलिए वेरी गुड सर, और करिए, चलिए दो तीन क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर आगे की बातें करते हैं थोड़ी सी। ठीक है, चलिए चलिए सर करिए, चलिए चलते हैं क्वेश्चंस करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन यहां करेंगे, सेकंड क्वेश्चन यहां करेंगे, थर्ड क्वेश्चन यहां करेंगे और इतनी सी जगह में करेंगे और जल्दी करेंगे। सर मान लीजिए 8:40 की बात कर रहे हैं, वेरी गुड। दूसरी बात सर, मान लीजिए यहां पे आपसे 3:47 की बात कर रहा है, चलिए वेरी गुड। चलिए यहां पे सर आपसे 5:45 की बात कर रहा है, चलिए वेरी गुड। भाई यहां एंगल कितने का होगा, यहां एंगल कितने का होगा और यहां एंगल कितने का होगा, तीनों पे एंगल की बात चलती है। अब भाई बात यह है, डायरेक्ट करिए सर, 8 का मतलब 8, वेरी गुड। 40 का मतलब भी 8, सर 8 का मतलब 8 और 40 का मतलब भी 8। सर पीछे वाली में से आगे वाली घटाऊंगा तो क्या बचेगा, सर 0 बचेगा। सर 0 बचा, 0 का मल्टीप्लाई भाई कितने से करूं, 30 से, और मिनट का आधा माइनस कर दूं सर, ये तो हुआ, बिल्कुल हुआ। तो सर यहां पे क्या हुआ, एवरीथिंग इज 0। भाई 0 से किसी भी नंबर को अगर अपन मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमेशा 0 होता है। 0 - 20 = आंसर का एक आएगा माइनस का 20 ही तो आने वाला है, तो हमारा एंगल जो बना वो कितने का है, माइनस का 20। कि सर यहां पे हमें थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि आंसर उससे अलग आना चाहिए, चलिए भाई उससे भी कर लेते हैं। क्या करना है, 11 का गुणा मिनट से करना है, -60 * बजकर करना है और भाग 2 का देना है। ठीक है, चलिए क्या करना है, 11 * 44 -8 * 48 480 / 2। सर 440 में 480 गए तो सर माइनस का 14 ही तो बचा और डिवाइडेड बाय 2, 2 से इसको कट करिए, माइनस का 2 डिग्री यानी 20 डिग्री, तो आंसर आ रहा है सर, सही आ रहा है, बिल्कुल सही है सर, ये चीज अपनी बहुत समझ में आ गई। अब चलिए सर, क्या सर यहां पे 3:47 दिया गया है, 3:47 दिए गए हैं, क्या ये तरीका काम करेगा, सर बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि ना तो इसको हम 45 मान सकते हैं और ना इसको हम 50 मान सकते हैं, बीच का नंबर है। तो लगाओ, क्या लगाना है सर, 11 का गुणा मिनट से करना है, -60 * बजकर करना है और डिवाइडेड बाई 2 करना है। अब समझ में आ रही होगी बातें आपके कि भाई प्यारे बच्चों कि सर ये मल्टीप्लाई करते करते तो हम बुढ़े हो जाएंगे और बचपने वाली चीजें करेंगे। चलिए पहले मैं आपको मल्टीप्लाई करना सिखाता हूं, ये चीज आपकी समझ में आ गई होगी। अब 11 से मल्टीप्लाई किसी भी नंबर में करें तो कैसे करना है, फटाफट से आंसर आ जाए। देखिए मान लीजिए 22 का गुणा 11 से करना है, 33 का गुणा 11 से करना है, 45 का गुणा 11 से करना है, 47 का गुणा 11 से करना है, मान लो 30 और 8 का मल्टीप्लाई / 11 से करना है। ध्यान रखना सब जगह 11 से मल्टीप्लाई हो रहा है और सीधा सीधा आंसर आना चाहिए। आपको करना क्या है, इतना सा ध्यान रखिए बस, और कुछ नहीं ध्यान रखना, कि जो आगे लिखा हुआ है उसको दूर दूर लिखो, कि सर दूर और दूर कर दिया दूर दूर। अब जो दूर दूर किए उनको आपस में प्लस कर दीजिए आप, 2 + 2 = 4, भाई साहब आंसर आ चुका है, गुना हो चुका है। चलिए सर 33 को लिखो सर दूर दूर, 3 और 3 = 6 सर आ गया आंसर। सर 45 का क्या करूं, सर 4 इधर लिखो 5 इधर लिखो, दोनों को जोड़ दो, 495 आ गया आंसर, हो गया गुना। भाई साहब इसको कैसे करूं, क्या सर 4 और 7, भाई 7 और 4 तो कितने होते हैं, 11, 11 का सर 1 होता है तो 1 आगे भी जाएगा तो 517 हो जाएगा। ठीक है 38 का करिए, सर 3 इधर 8 इधर, 8 और 3 = 11 सर, 1 इधर आएगा 4 इधर आएगा, 418, मतलब गुणा करना बहुत ईजी है। या 47 का कर रहे हैं अपन तो देखिए क्या आएगा, सर 7 तो इधर ही रहेगा और 5 इधर होगा 1 इधर होगा, 517 ही होगा, माइनस कितना भाई 180 / 2, लेस करिए 7 में से 0 गया तो 7, 11 में से 8 गए तो 3, 4 में से 1 गया तो 3, 337 / 2 रह गए सर। चलिए डिवाइड करना सबको आता है, 2 = 1 = 2, 1 = 13 2 = 12, 1 + 7 = 2 = 16, सर 168.5 degree एंगल इज राइट एंगल, बिल्कुल सही एंगल है आपका, बिल्कुल कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, आपका आंसर सीधे सीधे आ गया है। चलिए अब अगला क्वेश्चन भी कर लें भाई, आप तो आप कर सकते हैं, जल्दी से आप बताएं। चलिए सर हम तो उसी तरीके से करेंगे, 5 का मतलब 5, 45 का मतलब सर 9, ठीक है 9 में से 5 गए सर 4 * 30 -
मिनट का आधा। तो भाई 45 का आधा कितना होता है बोलिए जल्दी से। सर 45 का आधा होगा, सर 45 का आधा होगा 22.5, बिल्कुल होगा भाई 22.5 ही होगा। करिए सर 4 × 3 = 12, सर 120 माइनस 22.5, यहां से 22 माइनस कर दो आप तो 8, यहां पर रहेगा 11 में से 9, और अब यहां पर माइनस 5 करना तो ये आएगा आपका 97.5 डिग्री एंगल इज राइट एंगल, बिल्कुल सही है। तो प्यारे बच्चों अभी आपको एंगल निकालने की बातें चल रही थी और एंगल आप लोगों के निकल चुका है और एंगल बहुत इजी गोइंग निकल गया है। चलिए एक बार रिपीटेशन में लाते हैं बातों को और वापस से समझते हैं। सर पहली टाइप हमारी किसकी चल रही थी? सर पहली टाइप हमारी चल रही थी कोण निकालने की। वेरी गुड। सर कोण कैसे निकलते हैं? सर कोण दो तरीके से निकलते हैं। कौन कौन से तरीके से निकलते हैं? एक तो सर घंटे से मिनट में निकलता है और दूसरा मिनट से घंटे में निकलता है। चलिए जब ऐसे निकलता है तो अब क्या करना है? मैंने बोला घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का अनुपात कितना है? आपने कहा सर 11:60 है। कितना भाई? 11:60। अब 11:60 है तो भाई साहब हमें क्या करना है? कोण निकालने के फॉर्मूले की बात करनी है। तो क्या करते हैं, 11 का गुणा मिनट से माइनस 60 इंटू बचकर और डिवाइडेड बाई 2 करते हैं। प्यारे बच्चों अगर इस फॉर्मूले से जो भी आपका आंसर आ रहा है वो यदि दिए गए ऑप्शनों में नहीं मिलता है तो अपन को क्या करना होता है कि सर जो भी है उसको 360 में से लेस कर देंगे, जो भी बचेगा वही हमारा राइट आंसर होगा। ये हमारी पहली टाइप की बातें कर ली है हमने और कोण निकालने की बातें हो गई हैं। दूसरा तरीका मैंने आपको बता ही दिया था, क्या था भाई? जो भी घंटे दे रखे उसको एज इट इज लिखो। 45 है तो मिनट है और 45 का मतलब मिनट में कितना होता है 9, तो पीछे वाली संख्या में से आगे वाली संख्या को लेस करिए। कर दिया, क्या बचा था 4, और जो भी बचा उसको मल्टीप्लाई कितने से करना है 30 से, और लेस क्या करना है मिनट का आधा। लेस क्या करना है? मिनट का आधा। चलिए मिनट का आधा लेस करना है, ये अपना काम हो चुका है। अब बात चलते हैं अगली बात पे फोकस करते हैं। अब सर अब कुछ क्वेश्चन इस प्रकार भी बन जाते हैं, अभी तो टाइम दिया था और एंगल पूछा था, अब आपको एंगल देगा और टाइम पूछेगा, ठीक है। एसएससी ज्यादातर ऐसे ही क्वेश्चनों पे डिपेंड है। उसने कहा कि भाई 8 से 9 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां किस समय 90 डिग्री के कोण का निर्माण करेगी? अब फंस चुके हैं आप। अब तक तो टाइम दे रहा था और एंगल पूछ रहा था, अब की बार सर टाइम नहीं दिया और एंगल पूछ लिया। एंगल क्या कह रहा है भाई? 8 से 9 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां किस समय 90 डिग्री के एंगल का निर्माण करेंगी, यानी 90 डिग्री के कोण का निर्माण करेंगी। चलिए वेरी गुड। अब क्या करना है सर? यूं बताइए आप तो कि कोण बराबर क्या होता है? आपने कहा सर कोण बराबर होता है 11 इंटू मिनट माइनस 60 इंटू बजकर और डिवाइडेड बाई 2 होता है सर। चलिए वेरी गुड। सर यहां पे कोण जो है वो कितना है? 90 डिग्री दे रखा भाई। चलिए कोण है 90 डिग्री इक्वल टू सर 11 का गुणा मिनट से करना है। मिनट दे रखे हैं क्या सवाल में? नहीं दे रखे, एज इट इज लिख दो। और सर 60 का गुणा करना है बजकर, बजकर में क्या लेना है? पहले वाला समय, पहले वाला समय कितना है 8 है, और डिवाइडेड बाई कितना है 2 है। अब आपने मैथ में कुछ एक चीजें पढ़ी होंगी कि सर जब संख्याएं बराबर में होती हैं तो कर दिया जाता है वज्र गुणा, ठीक है। वेरी गुड। वज्र गुणा करेंगे तो क्या होगा सर कि 11 इंटू मिनट माइनस 480 इक्वल टू 180। ये बात हो गई। अभी पूरा समझा रहा हूं आपको, पूरे तरीके से लेके चल रहा हूं। अब ये सब प्रोसेस हो गया, अब यूं कहा जाता है कि जो समान संख्याएं होती हैं वो एक साइड में चली जाती हैं, बिल्कुल चली जाती हैं। तो ये यहां माइनस का, इधर जाके काई का होगा, प्लस का होगा। तो सर क्या होगा? 11 इंटू मिनट एज इट इज रहेंगे माइनस बराबर में 180, और माइनस का जो इधर प्लस का 480 हो जाएगा। अब
सर मिनट को तो यहीं छोड़ दो आप, क्योंकि आंसर में मिनट आने वाला है। क्या सर 480 तो 0, 8 और 16 560 हो गए सर, 560 में भाग दे दो कितने का, 0, 8 और 8 16, 5 और 660 होंगे भाई, 660 हो गए। अब सर डिवाइड कर दो 11 छिंगी 66 0 का 0 सर मिनट कितनी आ गई 60, यानी कि 90 डिग्री का एंगल कब बनेगा सर 8:60 पे बनेगा। ये पूरी प्रोसेस से समझाया है, और ऐसा क्वेश्चन आपका पूछता है एसएससी, ठीक है। जितने भी ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम्स होते हैं वो सारे इस प्रकार के एंगल से डिनोट करते हैं अपने क्वेश्चंस को, ऐसे नहीं कि डायरेक्ट समय दे दिया और पूछ लिया, पूछ लेता है कभी कभी, लेकिन ज्यादातर जो चांस होते हैं, ज्यादातर जो पूछा जाता है वो टाइम नहीं देता है और एंगल देता है, और एंगल से टाइम निकलवाने की कोशिश करता है। तो एसएससी हो चाहे ग्रेजुएशन लेवल का कोई भी एग्जाम हो, आपसे ऐसे ही करता है बातें। चलिए सर ये तो बात समझ में आ गई, सर यहाँ चेंज कर दो आप, चलिए चेंज कर देते भाई, यहां पर 5 लिख देते हैं या 6 लिख देते हैं, और यहां सर लिख दो 45, यहां लिख दो सर 45। चलिए क्वेश्चन चेंज हो चुका है। 5 से 6 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां किस समय 45 डिग्री के कोण का निर्माण करेंगी। चलिए सर वेरी गुड, चलिए बच्चों अब आपके समझ में आ गया होगा क्या करना है क्या नहीं करना है, डायरेक्ट क्वेश्चन को हल करेंगे, क्योंकि वहां पे आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं होता कि आपको सॉल्यूशन करके दिखाना होता है, वहां आंसर लाना होता है। सर कोण कितना है 45 इक्वल टू, सर मिनट है क्या, नहीं सर 11 इंटू मिनट, चलिए वेरी गुड, -60 इंटू सर बचकर कितने लेंगे सर, बच कर लेंगे 5 डिवाइडेड बाई 2, क्या करना है सर इसका इससे गुणा, इसका इससे, इन दोनों को जोड़ के 11 का भाग देना, यही तो बात है। चलिए 6 × 5 = 30, 300 प्लस 45 × 2 = 90 और डिवाइडेड बाई 11 आंसर आ जाएगा भाई 390/11, तो क्या होगा 11 × 3 = 33 सर, 11 × 3 = 33, 6 बज के 60 हो गए, 11 × 5 = 55 सर, 11 × 5 = 55 यानी कि सर 45 डिग्री का जो कोण बनेगा वो 5:35 35 मिनट के लमसम बनेगा, 5:35 के एवरेज में बनेगा, ठीक है। 11 × 3 = 33 वहां पे बच गए 33, 6 = 60 हो गए, 11 × 5 = 55, 5/11 अगर सेकंडों में पूछता तो 35 से ही 5/11 होगा, ओनली मिनट में पूछता तो क्या होगा 5:35। तो ये हमारी बात हुई प्यारे बच्चों, किसकी बात हुई, ये हमारी जो चर्चा चली थी, ये चर्चा चली थी किसके ऊपर, ये टोटल हमारी जो चर्चा चली वो किस पर चली के समय दे करके कोण निकालने पर चली। चलिए सर एक और बताइए, चलिए एक और देख लेते हैं भाई, यहां पर चेंज कर देता हूं, यहां भी चेंज कर देता हूं। अब आपसे कह दे कि सर 9 से 10 बजे के बीच बताओ, और एंगल छोटा मोटा मत बताओ, 180 का बताओ आप। तो चलिए भाई कि सर 9 से 10 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां किस समय 180 डिग्री के कोण का निर्माण करेगी। चलिए सर आ गया क्वेश्चन का, अब देखिए सर हम आंसर आराम से देंगे, सर आंसर ही तो देना है, सर 180 बोल रहा है, 180 बराबर, सर क्या बोल रहा है 11 इंटू मिनट एज इट इज लिखना है हमें, बिल्कुल लिखना है, -60 इंटू बजकर, बजकर में कितने भैया 90 डिवाइडेड बाई 2, सर करना क्या है 9 × 6 = 54, 540 प्लस के माइनस, सर यहां तो यही हुआ, और 8 × 2 = 16, 18 × 2 = 36, 360 और डिवाइडेड बाई 11 क्या निकल के जाएगी मिनट, मिनट ही तो हमारा आंसर है, बिल्कुल मिनट ही आंसर है। तो क्या करेंगे 0 × 6 = 10 = 0, 5 × 3 = 8 और 1 = 9 बटा में 11, सर करिए 11 × 8 = 88, 2 बज गए 20, 11 × 1 = 11, 81 से ही 9/11 कि सर ये 9 से 10 बजे के बीच तो बना ही नहीं रही, ये तो 10 से ऊपर गई, तो भाई देखिए 10 से जब ऊपर गई तो एक खाने भी बात करें तो भाई सब बने ठीक है, जब कब बनाएगी 81 से ही 9/11 पे बनाती है, तो इसका विशेष ध्यान रखना है। ये हमारी बात चल रही थी किसकी, कोण निकालने की, ठीक है। एक बार वापस से पूरी क्लॉक को रिवाइज करते हैं और फिर अगली बातें करेंगे अपन, इससे आगे की बातों पर चर्चा करेंगे, ठीक है। चलिए वेरी गुड,
चलिए भाई बताइए क्या चल रहा है। क्लॉक चल रहा है, घड़ी चल रही है। घड़ी कैसी होती है सर? वृत्ताकार होती है, गोल होती है। और गोल को अपन मैथ्स में क्या कहते हैं? वृत्त। और वृत्त के अंदर क्या होता है? केंद्र बिंदु। और केंद्र बिंदु पर क्या लगी रहती है? तीन सुइयां। कौन कौन सी? घंटे की, मिनट की और सेकंड की। ठीक है, घंटे, मिनट और सेकंड की सुइयां लगी रहती हैं। तो बात यह थी घंटे की सुई एक पूरा चक्कर लगाने में कितना टाइम लेती है? 12 घंटे में कौन एंगल कितने का? 360 का। तो भाई घंटे की सुई एक घंटे में कौन कितने का? सर 360 इज डिवाइडेड बाय 12 इक्वल टू 30 डिग्री। सर घंटे की सुई एक मिनट में एंगल कितने का बनाती है? कि भाई कितने का? 30/60 यानी 1/2। मिनट की सुई एक पूरा चक्कर लगाने में कितना समय लेती है? एक मिनट। एंगल कितने का? 360 डिग्री का। तो मिनट की सुई एक मिनट में कोण कितने का बनाती है? 360 डिवाइडेड बाय 60 इक्वल टू 6 डिग्री। सेकंड की सुई एक पूरा चक्कर लगाने में कितना समय लेती है? एक मिनट। और एक मिनट में कोण कितने का? 360 डिग्री का। और सेकंड की सुई एक सेकंड में कोण कितने का? 6 डिग्री का। सबसे पहली जो बात करी थी कोण निकालने की बात करी थी। और कोण कितने तरीके से निकलते हैं प्यारे बच्चों? दो तरीके से। कौन कौन से? एक तो सर घंटे से मिनट और एक मिनट से घंटे में। अच्छा, घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का जो एंगल होता है, अनुपात होता है, वो कितना होता है? कि सर 11:60 होता है। तो कोण निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? 11 × मिनट - 60 × बजकर/2। सर यहां पे अगर जो अपना आंसर आ रहा वो यदि दिए गए ऑप्शनों में नहीं मिलता है तो आपको क्या करना होता है? कि सर हम क्या करते हैं, जो भी आंसर आता है उसको 360 में से लेस कर देते हैं। तो ये हमारी क्लॉक की दो बातों पर चर्चा हो चुकी है, अगली बात करेंगे नेक्स्ट।